अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। थर्टी छोड़ा खाली खाली थर्टी रोज छोड़ेगा तेना जिम भाई भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को इस्माइल रमज़ान की तरफ से ईद मुबारक और फ़लस्तीन के लोगों को दुआओं में कैसा भी याद रखिए भाई, और हर मुसलमान को याद रखिए, हर मोमिन मुसलमान को, मेरे को भी याद रखिए दुआओं में। इंशाल्लाह अब अपन रेडी होंगे घर पे, मेरा कुर्ता देखो इधर रेडी है, तो अब रेडी होंगे यहाँ से ईदगाह जाएंगे। ईदगाह मेरा घर ईदगाह से बहुत नज़दीक है, 6 किलोमीटर 4 कदम की दूरी पर है, और ये ईदगाह जू पार्क है ना बहादुरपुरा, वहाँ का है मीर आलम ईदगाह। तो अपन फिल्म आएंगे ईदगाह में नमाज कैसे होगी, माहौल कैसा रहता है ईद के दिन के हैदराबाद का। तो जब तक व्लॉग में बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो कैसा भी, क्यों मतलब कंटेंट चेंज होने वाला है चैनल का थोड़ा बहुत, तो सब्सक्राइब करो, थोड़ा सपोर्ट करो। अल्हम्दुलिल्लाह अपन तैयार हो गए भाई, तो ये निकाल दे तो मैं थोड़ी देर में, क्यों तो अपने को बंदा नहीं आता, ये अभी भी सही मरे हुआ नहीं आए, तो नमाज पे जाने से पहले निकाल लेंगे अपन। तो अपना ये कुर्ता हो गया भाई, कतर वजर लगा लिए अपन सब, अब सैंडल पे नए सैंडल मिल गए, एक 8:30 तक की नमाज के लिए निकल जाएंगे, पूरे दोस्त इधर ही आने वाले हैं। तो फिलहाल को इंजॉय करो और फिर से आप सबको ईद मुबारक। तो हम आ गए भाई ईदगाह में हमारे वसीम भाई के संगत। बोलो वसीम भाई कुछ बोलिए आप, ईद मुबारक बोल रहे हैं वसीम भाई। तो अपन अंदर जाएंगे, हमारे दोस्त वहाँ बैठे हुए कहते हैं, तो चेक करेंगे अपन। आज के लिए जाने वाले थे, रास्ते में देखा अल्लाह और की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि आप खुद किशमिज मुनक्का सस्ते थे, तो वहाँ पर हमारे नदीम भाई गरीब का जिसमें फायदा होगा वो। एक सवाल मैं आपसे करता हूँ, जवाब बताइए, अल्लाह ताला आपको देने से पहले मंगा क्या ख्याल करें गरीबों का, और सब में बेहतर अगर आपके जकात खैरात खर्चे का अगर कोई ज्यादा हकदार है तो वो दीनी मदद से है, खुसूसन आपके शहर हैदराबाद का दीनी मदद। अल्लाह का बंदा हूँ, 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, मेरा अम्मा का कार्यक्रम सड़क बन रही थी सीमेंट की, सामने वाला घर बनते वक्त तो बड़ा सड़क बनने का खोदिया हो गया, अब एक गया बेचारा टुकड़ा बनता कहीं को खोद नहीं जाता है ना, बताओ वो कामयाबी अता है। और ये भी दुआ वो है, इसमें भी रहने का टाइम नहीं है, नो टाइम सर, अल्लाह मिया नो टाइम, बस इंतजार करने वाले। अल्लाह अकबर, हाथ उठाए, हाथ डाल लिए, सना पड़े, फिर अल्लाह अकबर, हाथ उठाए छोड़ दे, फिर अल्लाह अकबर, हाथ उठाए छोड़ दीजिए, फिर अल्लाह अकबर, हाथ उठा के पाल लीजिए। क्या बात है सर, क्या मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा भाई भी आ जाऊंगा मैं इनकी,
इसी तरह मौलाना जी हमारे नदीम भाई है अली जनाब जी बोलो जी और शाही बोर्ड जी बोलो जी बोर्ड जी हलीम के स्पेशल आप अगर किसी को अगर हलीम अली मनाना है तो हमारे नदीम भाई को बुला ले सकते हैं जबरदस्त हलीम मनाना चेन्नई में एक महीना रुको तमाम बरादरान इस्लाम को ईद की मुबारक बोल दो भाई ईद मुबारक क्या है ईद डाल दो इस महीने का ईद डाल दो हमारे रहमान में नहीं मतलब नदीम की जरूरत नहीं है काफी गेम बचाओ दे दे गाइस आज साहब की तरफ भाई मुबारक भाई ये हमारे फैन से नदीम भाई रोते थे आप अल्हम्दुलिल्लाह कितने थे 30 भाई 50 30 छोड़ दिया भाई 20 थे क्या कितने छोड़े 30 छोड़ा खाली खाली 30 रोते छोड़े गए थे नदीम भाई भाई नदीम भाई का काम क्या था गर्मी का काम रहा था नदीम भाई क्या नदीम भाई का बड़ा केटरिंग का बिजनेस है अरे भाई नहीं नहीं यार गरीब आदमी हूँ भाई मतलब कुछ भी बड़ा केटरिंग का बिजनेस है कुछ भी रहा बर्थडे पार्टी तो क्या बोल सकते माशाल्लाह बहुत अच्छा दिखा आज नमाज पढ़ के स्वाली के संगात मैं आपको कैसा दिखा आज के नमाज माशाल्लाह बहुत अच्छा दिखा भाई आप लोगों को कैसा दिखा बेभरा दिखा अलग दिखा और एडी कैसा दिखा आपको नमाज पढ़ के जबरदस्त दिखा एकदम सुकून दिखा भाई तो भाई ये व्लॉग अपन इधर ही ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में और व्लॉग लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो बोलो नदीम भाई क्या करना लाइक कमेंट सब्सक्राइब और कमेंट तो करते मेरे भाई लोग मेरे को तो भरोसा है शेयर तो करते मेरे भाई लोग शेयर करो जो यहाँ पर नहीं है हैदराबाद में नहीं है बाहर है सबको लोगों को शेयर करो इंशाल्लाह मेरी तरफ से ईद मुबारक ईद मुबारक